पश्चिम बंगाल चुनाव में जुआनी जंग तेज हो चुकी है। जय श्री राम चंडी पाठ शिव आराधना से लेकर धार्मिक नारों का बोलबाला दिख रहा है। इन सब के बीच बीजेपी के कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी ने चिटफंड घोटाला वाला राग छेड़ दिया है। शुक्रवार को शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से नामांकन किया। नामांकन के साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने नया दावा भी किया है। बीजेपी के कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में नामांकन के बाद कहा कि राज्य में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो चिटफंड कंपनियों में फंसे पैसे वापस किए जाएंगे। अगर पश्चिम बंगाल में चिटफंड घोटाले की बात करें तो चिटफंड कंपनियों के नाम पर निवेशकों से करोड़ों रुपए लूटे गए थे। इसमें शारदा चिटफंड और रोज वैली दो सबसे बड़े आर्थिक घोटाले थे। दोनों घोटाले को मिलाकर निवेशकों से 17,000 करोड़ रुपए लूटे गए थे। निवेशकों को रकम कई गुना तेजी से बढ़ाने का झांसा दिया गया था। कंपनियों ने निवेशकों से रकम लेने के लिए एजेंट्स की नियुक्ति भी की थी। शारदा चिटफंड घोटाले में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे। आज भी चिटफंड घोटाले की जांच जारी है। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चिटफंड घोटाले को लेकर टीएमसी नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को सीबीआई ने शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को नोटिस भेजकर 15 मार्च को कोलकाता ऑफिस में तलब किया है। पूर्व मंत्री और कमरहट्टी से टीएमसी कैंडिडेट मदन मित्रा को भी शारदा पूंजी घोटाले में ईडी ने समन भेजा है। मदन मित्रा को 19 मार्च को ईडी के सामने पेश होना है। जबकि शारदा पूंजी घोटाले के मामले में टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सदस्य अहमद हसन को ईडी ने 18 मार्च को बुलाया है। इन सब के बीच शुभेंदु अधिकारी ने चिटफंड घोटाले के निवेशकों को रुपए वापस लौटाने का भरोसा दिया है। चुनाव के दौरान शुभेंदु अधिकारी का बयान कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है। अगर बीजेपी के नेताओं को देखें तो पार्टी में 7 मार्च को शामिल मिथुन चक्रवर्ती पर भी शारदा चिटफंड के आरोप लगे थे, जबकि मुकुल रॉय पर भी चिटफंड घोटाले में शामिल होने के आरोप लग चुके हैं। फिलहाल बंगाल में चुनाव का प्रचार जारी है, चिटफंड घोटाले के नाम पर भी सियासत जारी है। इस अपडेट में इतना ही। बंगाल चुनाव की हर बड़ी हलचल को देखने और समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।